आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विक्रम सिंह का द खबरदार न्यूज के संवाददाता ब्रह्मानंद त्रिपाठी ने लिया इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं अंजना, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। तो बताते हैं आज की मुख्य खबरें। द खबरदार न्यूज के संवाददाता ब्रह्मानंद त्रिपाठी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विक्रम सिंह से खास बातचीत की, जिसमें त्योंथर के कई मुद्दों पर बात की, जैसे एजुकेशन, स्कूल, सड़क, पानी, सिंचाई, युवाओं की त्योंथर में भूमिका, त्योंथर में पॉलिटिकल करप्शन, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी कैसे अलग है और उनके क्या मुद्दे हैं। रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र से मानवता और सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। यहां पर रहने वाले मुसहर परिवार के सदस्य अचानक हैजा की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और मरीज को लेकर अस्पताल जाने लगी। कुछ दूरी जाने के बाद एम्बुलेंस कर्मचारियों को हैजा का ऐसा भय सताया कि वह तीनों मरीजों को जबरन सड़क किनारे उतारकर एम्बुलेंस सहित वहां से भाग गए। इसके बाद रास्ते पर पड़ी एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद इलाज के अभाव में मृत हुई महिला को शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ और परिजनों उसके शव को बांस और चादर के सहारे बांधकर वापस अपने घर ले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी 5 अक्टूबर को अपने कार्यकाल में 35वीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी यहां जबलपुर में आदिवासी वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती के 100 करोड़ की लागत से बनने वाली स्मारक के शिलान्यास के साथ ही वे 12,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे अपने इस्तीफे की मांग को लेकर आमला से भोपाल तक की पैदल न्याय यात्रा निकाली है। इटारसी में मीडिया को संबोधित करते हुए निशा बांगरे ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार दोहरी राजनीति कर रही है। एक तरफ तो महिला आरक्षण के नाम पर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ मुझे चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आतंक अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है और इस अभियान में सभी अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रीवा के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिस पर भी कई प्रकरण पंजीबद्ध है। उन सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। रविवार को विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें करीब 5 सैकड़ा अपराधियों पर कार्रवाई की गई है। आतंक अपराधियों से बाउंड भरवाया जाएगा, ताकि यदि वे अपराध करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले सभी राजनीतिक दल आधी आबादी को साधने में जुटे हैं। इसी कड़ी में शिवराज सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण 35% करने का ऐलान किया था। इसका लाभ वन विभाग को छोड़कर सभी विभाग में मिलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर एक के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का नया बयान सुर्खियों में है। मंगलवार रात चुनावी बैठक में कार्यकर्ताओं के सामने इंदौर सहित के अफसरों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई अधिकारी पैदा नहीं हुआ जो मैं फोन करूं और काम ना करे। मेरा टिकट होते ही कई अधिकारियों की नींद उड़ गई है। ग्वालियर में 6 दिन पहले हुई बाइक लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने करीब 0.5 सैकड़ा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक फुटेज मिला। इसमें दिख रहे लुटेरे की पहचान होते ही पुलिस ने 3 बदमाशों को मंगलवार को दबोच लिया है। बदमाशों ने बताया कि उन्हें बाइक सवार के एक दुश्मन ने मारपीट करने बुलाया था, लेकिन मारपीट करने के बाद वह बाइक भी लूट लिए गए थे। मालेगांव ब्लास्ट मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट ने पीड़ितों की गवाही से जुड़े 60 सवालों पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपियों के बयान दर्ज किए। इन सभी सवालों का जवाब प्रज्ञा ठाकुर ने 3 शब्दों में दिया। उन्होंने कहा, मुझे जानकारी नहीं। जब कोर्ट ने ब्लास्ट में घायलों और मृतकों के बारे में पूछा तो मुख्य आरोपी भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर भावुक हो गई, इसलिए 10 मिनट तक काम रुका रहा। प्लेसमेंट न मिलने से नाराज होकर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बुधवार को जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही रांची तहसीलदार सहित पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे छात्रों को समझाने की कोशिश की, पर छात्र अड़े थे कि जब तक सांसद यहां आकर लिखित में जल्द ही प्लेसमेंट करवाने का आश्वासन नहीं देते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।